बेंच प्रेस इज वन ऑफ द ग्रेट कंपाउंड मूवमेंट एंड ये एक मस्ट डू एक्सरसाइज है अपने वर्कआउट शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए, बट आप में से बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं एंड आई हैव सीन दैट विद लॉट ऑफ पीपल. सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा और आज हम देखेंगे कि बेंच प्रेस करते हुए क्या वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट इंजरी फ्री. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक मिस्टेक पीपल डू इज देयर फीट प्लेसमेंट. तो अक्सर लोग जब बेंच पे लेटते हैं तो वो अपने पैरों को इस तरह से ऊपर रखते हैं बेंच के और फिर मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, विच इज इनकरेक्ट. तो आपको हमेशा बेंच प्रेस करते हुए अपने दोनों पैरों को फ्लोर पे इस तरह से प्लेस रखना है फर्मली, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो फ्लोर से जनरेट होती है. तो पैरों को ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करना है और हमेशा उसी तरह से प्लेस्ड रखना है थ्रू आउट द मूवमेंट. सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज शोल्डर पोजिशन. तो लोग क्या करते हैं, जब बेंच प्रेस की मूवमेंट करते हैं और बार को लिफ्ट करते हैं तो वो शोल्डर्स भी इस तरह से लिफ्ट कर लेते हैं, सो लाइक दिस. बट एक्चुअली दिस इज इनकरेक्ट और इससे आपके शोल्डर में इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आपको मूवमेंट करने से पहले ही अपने शोल्डर्स को इस तरह से रिट्रैक्ट करना है, विच मीन्स कि आपकी चेस्ट लिफ्टेड रहेगी, शोल्डर्स रिट्रैक्टेड एंड आपके शोल्डर ब्लेड्स बैक में टच रहेंगे. एंड आपको फिर ऐसे ही मूवमेंट परफॉर्म करनी है, आपको शोल्डर्स को इस तरह से लिफ्ट नहीं करना. सो शोल्डर्स विल बी रिट्रैक्टेड लाइक दिस. थर्ड मिस्टेक इज रिलेटेड टू बैक आर्च. अब लोग क्या करते हैं, बेंच पे फ्लैट लेट जाते हैं और फिर बेंच प्रेस की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. दिस इज नॉट करेक्ट. बेंच प्रेस की मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको बैक में थ्रू आउट द एक्सरसाइज स्लाइट आर्च मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपके हिप्स हमेशा बेंच से टच रहेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया शोल्डर्स को रिट्रैक्टेड रखना है, विच मीन्स आपके शोल्डर बेंच पे टच रहेंगे, हिप्स भी एंड लोअर बैक में एक स्लाइट आर्च आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है. बट अब पावर लिफ्टिंग के टाइम पे जो लोग पावर लिफ्टर्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो ओवर आर्च बनाते हैं, विच मीन्स एक्स्ट्रा आर्च. बट दैट इज़ ओनली फॉर पावर लिफ्टर्स. इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर हाइपरट्रोफी, मसल टोनिंग, स्ट्रेंथ गेन, आपको ओवर आर्च नहीं करना, आपको स्लाइट आर्च अपनी लोअर बैक में मेंटेन करना है और फिर मूवमेंट को परफॉर्म करना है और थ्रू आउट द मूवमेंट वो आर्च ऐसे ही रहेगा. फोर्थ मिस्टेक दैट पीपल कॉमनली डू इज अबाउट देयर ग्रिप. अब कुछ लोग ग्रिप बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ते हैं, उससे आपके शोल्डर जॉइंट में काफ़ी स्ट्रेन आता है, और कुछ लोग बहुत ग्रिप अंदर पकड़ते हैं, उससे आपके ट्राइसेप पे ज़्यादा लोड आता है. नाउ द एक्चुअल ग्रिप इज जो आपके शोल्डर विड्थ है उससे स्लाइटली बाहर होनी चाहिए आपकी ग्रिप. और वो आपको कैसे पता चलेगा, कि जब आप बार को नीचे लेकर आ रहे हैं तो नीचे लाने पर जो आपकी एल्बो है वो स्ट्रेट वे अंडर द बार आनी चाहिए एंड देन यू लिफ्ट फ्रॉम हियर. द लास्ट मिस्टेक दैट वी विल टॉक अबाउट टुडे इज लिफ्टिंग योर हिप्स ऑफ द बेंच. और स्पेशली जब ईगो लिफ्टिंग की बात आती है, जब हैवी लिफ्ट करना होता है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि बार को लिफ्ट करते हुए हिप्स को बेंच से लिफ्ट कर लेते हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी इनकरेक्ट, बिकॉज इसमें आपकी पूरी स्पाइन पे लोड आता है एंड स्पेशली अगर आपने बहुत हैवी लिफ्ट किया हुआ है तो स्पाइन में बहुत बुरी इंजरी भी हो सकती है. सो नेवर डू दैट. आपको करना क्या है, थ्रू आउट द मूवमेंट आपके जो हिप्स हैं वो बेंच पे टच रहेंगे एंड यू कैन नॉट लिफ्ट योर हिप्स
ऑफ द बेंच और उसी से ही आपका पूरा लोड भी आपके चेस्ट मसल पे आएगा. आई होप यू सॉ ऑल द मिस्टेक्स वेरी केयरफुली. नाउ लेट मी शो यू 3-4 करेक्ट रेपिटेशंस. सो यू लाई डाउन, फीट ऑन द फ्लोर, शोल्डर रिट्रैक्टेड, आर्च इन द बैक, करेक्ट ग्रिप एंड वेरी स्लोली आप बार को नीचे लाएं एंड वापस पुश करें विद फुल रेंज ऑफ मोशन. एंड व्हेनेवर यू आर लिफ्टिंग द बार अप यू हैव टू ब्रीद आउट. सो दिस वॉज टूडेज वीडियो. आई होप आज की वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट टाइम बेंच प्रेस करते हुए आप ये सभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे. एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको अपने चेस्ट मसल पे बेटर टारगेट भी फील होगा. आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड थैंक्स फॉर लविंग द चैनल. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट प्लीज डू इट राइट नाउ सो दैट वी कैन कीप मेकिंग यूजफुल कॉन्टेंट. एंड एज आई ऑलवेज से फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स एंड स्टे फिट.